गिरफ्तार किया गया इस तरह से, पाकिस्तान के एक पॉपुलर लीडर है वो, और एक साल से वो लोगों को कंट्रोल करते रहे हैं। 25 मई को जब वाकया हुआ यहां पर, फायरिंग हुई, शेलिंग हुई, तो लोगों को वापस ले गए। नवंबर में जब आए तो रावलपिंडी से वापस ले गए ताकि आवाम का सामना ना हो अमन अमान कायम करने वाले इदारों के साथ, वापस ले गए। आज उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब वापस बुलाने वाला कोई नहीं है। आपको गोलियां मारनी पड़ेंगी, आपको शेलिंग करनी पड़ेगी, आपको लोगों का कत्लेआम करना पड़ेगा वापस करने के लिए। क्या एक ऐसी कीमत आप चुका रहे हैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए? होश के नाखून नहीं लिए जा सकते? एक आंखों से अंधा और कानों से डर ये काम कर सकता है जिसे पता ही ना पाकिस्तान में क्या गुजर रही है। जितने भी आपने रायामा के आपने जो चेक करवाया तो उसमें आपने देखा कि लोग उनके साथ हैं, आपने जमीनी इलेक्शन में देखा लोग उनके साथ हैं। तो ये जो आपने किया है, बजाय इसके कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते और पाकिस्तान को उसकी सही ट्रैक और पटरी पर चढ़ाते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराने, आईन पर अमल नहीं करना, कानून पर अमल नहीं करना, बस अपनी मर्जी और मनमानी करनी है। ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम का है, ये पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान है। उनका पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान तोड़ने वाले हैं, उनका पाकिस्तान नहीं है जो पाकिस्तान को बुरानों में धकेलने वाले हैं, उनका पाकिस्तान नहीं